सिद्धार्थनगर जिले में पिछले एक सप्ताह से 8 सूत्रीय मांगों को लेकर लेखपाल आंदोलन पर है। इनका कहना है कि इनकी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। इनकी प्रमुख मांग है कि इनके वेतन को 2700 डिग्री किया जाए, इसी के साथ ही पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। पिछले एक हफ्ते से कलेक्टर परिसर में धरना दे रहे लेखपाल पूरी तरह से प्रशासन से आर पार करने के मूड में नजर आ रहे हैं। मांग की जा रही है, 8 सूत्रीय मांग चल रहा है हमारा, हमारे लगभग 2016 से चल रहा है आंदोलन और मांग भी हमारी करीब पूरी हो गई। शासन और परिषद से ही मामला लटका हुआ है, परिषद ने सभी हमारी 8 मांगों को स्वीकृत किया है, शासन से स्वीकृत होना बाकी है। अगर शासन तत्काल अगर कर देती तो हम लोग आंदोलन में अपना करेंगे। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन हम लोग का चलता रहेगा। आपके एक विभागीय अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई हो गई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब सरकार चाहे जो दमनकारी नीति अपनाए, जो हम लोग आंदोलन के लिए चल दिए हैं तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक शासन दी जारी नहीं रहता। कितने लोगों को सस्पेंड, जैसे मेरे धारा समाचार वाले लोगों को सस्पेंड किया गया है? कितने? 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है। प्रशासन का कहना है कि तहसीलों के जितने भी आपके अध्यक्ष और महामंत्री हैं और जिले के, इनको जो इनको जो सस्पेंशन की कार्रवाई की है, नहीं, जिला प्रशासन द्वारा नोटिस दी जा चुकी है और उस पर हम लोग भी अपना जवाब दे रहे हैं, लेकिन हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं तब तक हम लोग का आंदोलन चलता रहे, चाहे जो भी सरकार का मन। जिले में 144 लगा हुआ है, ऐसे में आप लोग एक जिम्मेदार होते हुए भी आप लोग जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग का चुकी कानून की इतना फर्जी नहीं, हम लोग का पूर्व में ही चल रहा है आंदोलन चल रहा है, हम वो शांतपूर्ण तरीके से हम लोग कर रहे हैं, गांधी वाली की तरह हम लोग आंदोलन कर रहे हैं अपना। आपके जो साथी सस्पेंड हुए इनको लेकर के आप क्या करेंगे? उनके लिए भी मांग करेंगे उनको तत्काल बहाल किया जाए। देखिए, लेखपालों ने स्ट्राइक की थी और यहाँ पे भी एक सांकेतिक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, और इसमें भी ऊपर से गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं कि इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए अगर वापस से स्ट्राइक पे नहीं जा रहे हैं। हमने नो वर्क नो पे का ऑर्डर ऑलरेडी जारी कर दिया है कि जो भी लेखपाल नहीं जा रहे, कल हमने जो पदाधिकारी हैं हर तहसीलों के और उनको सस्पेंड भी कर दिया है। आज उनके जिलाध्यक्ष, इनको बुलाया गया था जो ऑलरेडी सस्पेंड है, उनको ये स्पष्ट बता दिया गया है कि अगर इस टाइप से चलेगा, गवर्नमेंट में बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर एस्मा भी है और ये एसेंशियल कम्युनिटी उसमें है सर्विसेज में, तो अगर काम नहीं होगा तो आगे फिर सर्विस टर्मिनेशन या जो भी कठोर कार्रवाई अंतिम स्तर तक है वो की जाएगी। सर, जिले में कितने सस्पेंड? अभी 2 पदाधिकारी हर तहसील के हैं, अध्यक्ष और महामंत्री, उनको सस्पेंड कर दिया गया और जिला मंत्री।